एसएसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा कच्ची शराब के अवैध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसके क्रम में राजघाट पुलिस ने लगातार तीसरी बार छापेमारी करके कच्ची शराब की भट्टियों को तोड़ते हुए 50 कुंतल लहन नष्ट किया। गुरुवार की सुबह राजघाट पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में नदी किनारे स्थित अमरूद की बगिया में चल रहे अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया तथा जमीन के अंदर छिपाकर रखे हुए महुआ और लहन को नष्ट कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया। कच्ची शराब पर अनवरत पुलिस महानिदेशक महोदय और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अभियान चल रहा है। अनवरत जो है कंटिन्यू हमारी पुलिस अमृतानी जो विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र है उस पर निरंतर दबिशें दी जा रही हैं। आज भी उसी क्रम में हमारे प्रभारी निरीक्षक और पुलिस बल मौके पर गए हुए थे। 10 भट्टियाँ फोड़ा, 50 कुंटल के करीब लहन को नष्ट करके नष्ट किया है और जब तक भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार 1.5 किलोमीटर करीब पैदल चलना पड़ता है, जब तक पुलिस उस क्षेत्र की ओर जाती है वो किनारे नदी में पानी कम होने का फ़ायदा उठा करके उस पार भाग जाते हैं और उस पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उनको सूचीबद्ध किया जा रहा है, जैसे प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ अगली कार्रवाई कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, 5 किलोमीटर का एरिया है और एक बागीचा भी अमरूद का है, उसमें इस तरह के कारोबारी तो काफ़ी छिप जाते हैं, किस तरह पुलिस छापेमारी और तेज कर लेते हैं? छापेमारी में कोई कमी नहीं है, बशर्ते भौगोलिक स्थितियाँ ये हैं कि वहाँ अमृतानी है, जंगल भी है और जब तक पुलिस पैदल मार्च करती है दूर से देखते हैं और खिसक जाते हैं और ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर महिलाएं इस धंधे से जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं का नाम लाया जा रहा है प्रकाश में, जैसे ही चिन्हित होंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी।